अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आज मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में वाहनों की नीलामी की गई है, जिसमें माल मुकादी और अन्य वाहन थे। टोटल 27 वाहनों की नीलामी की गई है। इसमें 25 बाइक और 2 फोर व्हीलर थे। लगभग 43 लोगों ने इसमें भाग लिया। वाहनों की बोलियां लगाई गईं और अच्छे खासे रेट में वाहनों को नीलाम कर दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बाइक मौजूद थी। देखिए वाहनों की नीलामी के दौरान की कुछ तस्वीरें। 18 नंबर 80,000। पहली बोली लगाई ना आपने? 80,000। 16 नंबर 80,500 16 नंबर 80,500 40 नंबर। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार रॉय ने इस बारे में यह जानकारी दी। नीलामी की प्रक्रिया हुई है, कितने वाहन थे और कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? साढ़े के थाना क्षेत्र में जो माल मुकदमाती और अन्य वाहन थे, उसमें से 27 वाहनों की आज नीलामी हुई, जिसमें 2 फोर व्हीलर थे, बाकी 2 व्हीलर थे। 43 लोगों ने इसमें भाग लिया, नीलामी में शामिल थे, और इन लोगों की बोली के आधार पर सारे वाहनों को आज मिला। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।